जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, सेट एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, टू तरीके होते हैं उसके, टू वे होते हैं। एक होते हैं ये टेबुलर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। स्टूडेंट टेबुलर फॉर्म के अंदर आर रोस्टर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इंक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स। टेबुलर फॉर्म वो होती है जिसके अंदर आप काउंटिंग के अंदर लिखें, कॉमास लगाएं और उसके अंदर आप कर्ली ब्रैकेट या कोई भी लार्ज ब्रैकेट यूज़ करें, उसको हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। देन हमारे पास होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट पॉजेस अ सिंगल कॉमा प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट पॉज्ड बाय अ एलिमेंट आउटसाइड द सेट। इसके अंदर हम जस्ट सिंगल कॉमा यूज़ करते हैं और कोई एलिमेंट नहीं होता हमारे सेट के आउटसाइड। जैसे कि एग्जाम्पल्स के अंदर आप देख रहे हैं, नेचुरल नंबर की एग्जाम्पल दी हुई है, एक्स ऑफ एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर्स, मतलब कि वो नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स होते हैं। देन एग्जाम्पल ऑफ सेट्स आर इन मैथमेटिक्स, द सेट्स ऑफ ऑल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये होती है हमारे पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मीन्स ये होता है कि आप इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल यूज़ को आप सेट्स को डिफाइन करें, जैसे कि अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, मीन्स कि वन से लेकर जितने भी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं वो सारे सेट्स हैं। अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स मीन जो प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, एंड सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ सेट्स, एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सब सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। द एम्प्टी सेट, अ सेट विच इज डोंट कॉन्टेन एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, मीन्स ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो, बिल्कुल वो खाली हो, एम्प्टी, उसको कहते हैं एम्प्टी सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डिफाइनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज इज कॉल्ड इनफाइनाइट, मीन्स ऐसा सेट जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, फाइनाइट कर सकते हो, वो मालूम कर सकते हो, वो होता है फाइनाइट। और जो इनफाइनाइट हो, जो लामहदूद हो, मतलब महदूद और लामहदूद। इक्वल सेट, गिवन अ टू सेट्स के एंड आर आर सेट टू बी इक्वल इफ दे आर हैव एक्सटर्नली सेम एलिमेंट्स वी राइट, मींस इक्वल सेट वो होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स भी सेम हो, मींस जैसे कि के अंदर 1 2 3 4 हैं, देन आर के अंदर ही 1 2 3 4 हो, सेम एलिमेंट्स हो, फोर एलिमेंट्स इसमें हो, एलिमेंट्स तादाद के साथ भी सेम हो और एलिमेंट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी सेम हो, तो इनको हम कहते हैं इक्वल सेट। नेक्स्ट हमारे पास आती है सबसेट। अ सेट आर इज़ द सेट टू बी अ सबसेट ऑफ के इफ द एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज़ आल्सो एलिमेंट ऑफ के। सबसेट वो होता है जैसे कि दिस मीन ऑल एलिमेंट ऑफ कंटेंट आर इन के, हर जैसे कि आर सेट है उसके जो सेट एलिमेंट हैं वो के सेट के अंदर भी मौजूद होंगे, तो उसको आप क्या कहते हैं, सबसेट। पावर सेट, अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन इज कॉल्ड पावर सेट, अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ के, मींस के जो जितने भी सबसेट बनते हैं एक सेट के, उन सबको जो हम काउंट करते हैं उसको हम कहते हैं पावर सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल से आपको मीनिंग से ही पता चल रहा होगा, यूनिवर्सल मीन जो सब जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएं, सारे सेट्स कंटेन हो जाए, सेट विच इज़ कंटेन ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्लूडिंग इट सेल्फ, खुद के अलावा उसके पास सारे सेट्स आ जाएं, फॉर एग्जांपल रियल नंबर भी आ जाएं, अदर नंबर्स भी आ जाएं, नेगेटिव भी आ जाएं, पॉजिटिव भी आ जाएं, वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट।